दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने युवा अनुबंधित डॉक्टरों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर विरोध शुरू कर दिया है। ऊना जिला संघ ने बताया कि मांगे मनवाने के लिए वे 9 तारीख तक काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन जताएंगे और अगर 9 तारीख तक हमारे इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 7 दिन के लिए 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की जाएगी। अगर फिर भी इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 16 तारीख के बाद पूर्ण बंद करने पर प्रदेश के सभी चिकित्सक मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। डॉक्टरों ने कहा कि जब यह ग्रेड पे इंसेंटिव पूरे प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों को 2016 के अधिसूचना के बाद मिल रहा है और हमारे चिकित्सकों को भी मिल रहा था, तो अब ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि इस कोरोना जैसी महामारी के बीच हमारे नौजवान युवा अनुबंधित डॉक्टर्स की सैलरी पर कैंची चलाई जा रही है और यह कटौती कम नहीं है, पूरे 22% है। सरकार से गुजारिश है कि वे जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करें कि यह ग्रेड पे इंसेंटिव हमारे अनुबंधित डॉक्टर्स को देना जारी रखेंगे या नहीं, नहीं तो हमें संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्या मुख्य ऐसा है सर, जैसे कोरोना के जैसे चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें जितने डॉक्टर्स हैं वो सब दिन रात मिल के काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, पीपी किट में जो डालनी मुश्किल है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बाकी गवर्नमेंट जहाँ पे डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने सैलरी इंक्रीज़ की है या इंसेंटिव दिए हैं, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट हमारी जो सैलरी है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो भर्ती हो रहे हैं, उनकी उतनी सैलरी वो काट रहे हैं। ना इसका कोई हमें रीज़न दिया गया है प्रॉपर कि क्यों काट रहे हैं, ठीक है। जो इनका दिल है वैसे कर रहे हैं। अगर सेवाएं, अगर सैलरी नहीं काटनी जरूरी नहीं, बढ़ानी नहीं है, आपने इंसेंटिव नहीं देने हैं तो उतनी रखो, पर जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा मत कीजिए। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगली क्या एसोसिएशन की तरफ से अभी तक हमें यही बोला है कि हमें पेन डाउन स्ट्राइक करने हैं 8-9 तारीख के बाद। अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव वे में फीडबैक नहीं मिलता है तब तक के लिए हम यही करेंगे, कालम लगा के ही काम करेंगे, हम सुविधाएँ बंद नहीं करेंगे, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। इसके लिए हमें जो जिसके लिए हमने नौकरी की है वो तो हम करेंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम कुछ करते हैं और ख़राब हो जाएगा। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत में नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में बीए, एलएलबी, एलएलबी, बीएससी नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।